गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। चीजों को हम किस प्रकार से पकड़ के रखते हैं, ये उस महासेन राजा जिसने शिला देश में प्रवेश किया, शिला देश के समय सारणी के अनुसार केवल एक दिन के लिए, और सब देख दाग के जब बाहर आ गए महाराज तो देखा 12 अरब साल बीत चुके और उसके कारण कोई भी उनका अपना नहीं बचा। तो वो सब देख करके उनको बहुत दुख हुआ, वो शोक करने लग गए। और उस समय यह ऋषि पुत्र उनसे बात करने लग गए कि देखो तुम जो ये दुखी हो रहे हो, इसका कोई कारण है क्या, इसका कोई लॉजिक है क्या, ये तुम्हारा कुलधर्म है कि कुलधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। हमारे पिताजी भी दुखी थे, हमारे दादाजी भी दुखी थे, हमारे पड़दादा भी दुखी थे, तो हम कैसे सुखी रहे, वो तो हमारा कुलधर्म है, ऐसा करना चाहिए। या लोग क्या कहेंगे कि देखो ये दुखी नहीं हो रहे इसीलिए दुखी होना है। और यदि तुम विचार करके देखो तो इस जगत में दुखी होने की जैसी कोई चीज है ही नहीं। और ये बताने के बाद उन्होंने अनेक प्रकार के तर्क दिए और उस तर्कों के द्वारा सिद्ध कर लिया कि यह जागृत जो अनुभूति है, यह जागृत अनुभूति स्वप्न के ही जैसी है, उसमें कोई फर्क नहीं। तो यदि सपना हम रोज नए नए देखते हैं, उसमें नए नए बच्चे, नए नए बीबियां, नए नए देश, सब चीज पैदा होते हैं, मर जाते हैं, तो क्या हम दुखी होते हैं? वहां तो दुखी नहीं होते। माने मन का जो एक अनुभव का क्षेत्र है उसको लेकर के हम दुखी नहीं होते, और उसी मन का जो दूसरा अनुभव का क्षेत्र है उसको लेकर के दुखी होते हैं, ये कोई ठीक बात नहीं। यहां तक पिछले बार हमने देखा था तो उन्होंने आखिरी में कहा था कि एवं स्वात्मविदो माया मुक्ता शोचन्ति न क्वचित शोचतास्तान दृशान मूढ़ान माया मूढ़ान प्रविहसन्ति च। इस प्रकार से जिन्होंने ठीक प्रकार से तत्व का दर्शन किया है वो इस माया के द्वारा प्रभावित होकर के रोते नहीं, फिर वो क्या करते हैं कि जो रोने वाले हैं उनको देख करके हंसते हैं कि ये क्यों खामोखाम रोया जा रहा है। इस प्रकार से तत्वम विज्ञायम आत्म तत्वम मायाम उत्तीर्य दुर्गमाम जहि शोकम महाबाहो मोहोत्तम सद विमर्शनात्। इसीलिए हे महाबाहो, हे शक्तिशाली, हमारे जीवन की शक्ति, हमारी सफलता किस में है? सफलता बाहर के जगत में पैसे कमाने में नहीं है, वो केवल एक सफलता है। अपने जीवन की असली सफलता है कि जब जीवन में दुख के प्रसंग आने के बाद भी दुखी नहीं होना, ये जीवन की सफलता है। और इसीलिए हे महाबाहो, तुम अपने आप को यदि बड़े शक्तिशाली मानते हो तो दुख के सामने झुको मत, दुखी मत हो। इत्युक्त पुनराह महासेनो मुनीश्वरम भगवान यस्त्वया प्रोक्तो दृष्टांतो विषमस्सहि स्वाप्नो वा मायिको वापि शून्यात्मा भासते परम अयम जागृत प्रपंचस्तु सत्य सर्वार्थ साधकः। अब महासेन अपने विचारों को बदल रहा है, ये दूसरी महत्व की बात है। हमको मिलने के लिए कहां कहां से कोई ना कोई टपक ही जाता है, इसलिए हमको उदाहरण ढूंढने नहीं पड़ते, उदाहरण पहुंच जाते हैं चल करके। कल का उदाहरण, एक उदाहरण आया और आने के बाद
बेचारी बहुत चक्कर काटी, बड़े मुश्किल से पहुंच गई। और हम शाम को जा रहे थे बम्बई 3:30 के करीब। हम नहा धोकर के तैयार हो गए। आने के बाद स्वामी जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। मिलो, क्या है? तो पहले तो एकदम भावनावेश, तुम्हें शांत होकर के बैठो, मैं चाय पीता हूँ, तुम देखो दर्शन करो। और थोड़ा बहुत वो विषयांतरण करके टेंशन खत्म होने के बाद फिर हमने कहा कि तुम जस्टिफाई नहीं कर सकती हो, रोती हो। बोले मैं यही कहने के लिए आए हूं कि मैंने बचपन से बहुत सत्संग सुने और इसके बाद भी घर के कष्ट के कारण रोती रही और फिर हमने आपको सुना। अब हमने रोना बंद कर दिया है, ये हम बताने के लिए आए हैं। और फिर हमको कहे कि आप कहोगे फिर अभी क्यों रो रही हो? तो हमने कहा ये तुम्हारा रोना नहीं है, ये आनंद की अभिव्यक्ति है। रोने में आदमी फुसकता है, तुम फुसक नहीं रही हो। और एक उन्होंने बात कही, बहुत अच्छी बात यह है कि जब हम कोई चीज बदल जाए ये सोचते हैं और वैसा नहीं होता तब हम दुखी होते। वो स्वयं होकर के कहने लगे, देखो कितना ज्ञान है। और यही चीज, छोटी छोटी जो चीजें हैं, एक बार समझ में आ जाए एकदम दृष्टि भिन्न हो जाती है। तो यहां उसके द्वारा अपने विचार की धारा बदल जाती है। दूसरा उदाहरण, जब अर्जुन महाराज भगवद गीता में रो रहे थे तो भगवान ने सबसे पहला काम कौन सा किया? सबसे पहला काम ये किया कि उसका जो चैनल चल रहा था, जैसे होता है ना जी चैनल और एन चैनल, उस प्रकार से ये जो एफ चैनल था, फ्रस्ट्रेशन चैनल, उसको उन्होंने एक क्षण मात्र में बदल दिया। जहां हमारी विचारधारा उस विषय को छोड़ करके आगे बढ़ जाती है, उसी क्षण जीवन में दृष्टि बदल जाती है। यहां यह जो इतना रो रहा था उसके सामने सत्संग हुआ कि जागृत की अनुभूति या स्वप्न के जैसे कोई फर्क नहीं है, खामो खाम तुम रोए जा रहे हो। और इसको लेकर के रोते रोते उसने प्रश्न किया कि आपने ये जो स्वप्न दृष्टांत दिया है कि स्वप्न या माया के कार्य या इंद्रजाल के जैसा यह जागृत जगत है, तो ये तो कोई दृष्टांत बनता नहीं। खैर गलती निकालो, कम से कम विचार तो बदल गए। तो अयम जागृत प्रपंचस्तु, अब वो अपना तर्क देते हैं कि यह जो जागृत प्रपंच है ये स्वप्न माया या इंद्रजाल इसके जैसा क्यों नहीं है। तो कहते हैं अयम जागृत प्रपंचस्तु सत्यः सर्वार्थ साधकः, ये तो एकदम सत्य है और सभी अर्थ साधकः। यहां प्रत्येक वस्तु का प्रयोजन दिखता है। यदि भूख लगी है तो रोटी एक सामने हो खा जाओ तो भूख मिट जाती है। यदि वो झूठ होता तो हमारी कैसे भूख मिटती? इसीलिए सर्व अर्थ साधकः और अबाधितः स्थिरश्चापि, और ये हमेशा बना रहता है और स्थिर है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई अस्थैर्य नहीं है कि इसको स्वप्न कहे। फिर कहते हैं कि जब ऐसा तर्क सुनाया तो ऋषि पुत्र कहते हैं कि हे राजन, तुमने जो कहा तो बहुत अच्छी बात कही। और यस्त्वयोक्तम दृष्टांतो विषमहा तु इह एष मोहो द्वितीयस्ते स्वप्ने स्वप्नस्य यादृशः। तुम जो कह रहे हैं ना जागृत स्वप्न के जैसा नहीं है, इसको कहते हैं डबल मोह। बोले डबल मोह कैसे? वैसे जैसे समझो कोई सपना देख रहा हो और उसने सपने में ये देखा कि कोई व्यक्ति आकर के उसके ऊपर गोली चला रहा, मार रहा। मैंने पहले एक स्वप्न और उस सपने में ऐसा कल्पना करी कि कोई व्यक्ति आकर के मार रहा, और जब देखा सपना जारी है और देखा तो पता चला कि अपना ही छोटा बच्चा, उसने झूठ मूठ की पिस्तौल लेकर के सामने आया और डिशिंग डिशिंग करने लग गया। इस प्रकार से स्वप्न में भी तुमको भ्रांति हो गई, इसलिए यह द्वितीय स्वप्ने स्वप्नस्य यादृशा एष मोहः। अब जहां तक कि तुम्हारा ये सवाल है कि स्वप्न के वस्तुओं का कोई प्रयोजन नहीं होता, अर्थसिद्धि नहीं होती, तो उदाहरण बताते हैं
कि स्वाप्न वृक्षोपि तत्काले किम न साधयते हितम पांथानाम किम न हरति तापम छाया प्रदानता। स्वप्न में यदि हम देख रहे हैं कि एक कोई व्यक्ति पांथ चल रहा है, बहुत गर्मी है, धूप है, और वो जाकर के एक वृक्ष के नीचे खड़ा हो जाता है तो उसको उस गर्मी से छुटकारा मिलता है, तो होता तो है। कैसे कहते हो कि स्वप्न पदार्थ से कोई अर्थ सिद्धि नहीं होती? और फलाद्य ही स्वप्न मर्त्यादीन न तर्पयति किम वद। और इस स्वप्न में जो फल इत्यादि खाद्य पदार्थ है, क्या वो खा करके स्वप्न पुरुष की भूख प्यास नहीं मिटती? जरूर मिटती है। स्वप्ने को बाधित स्वप्नः क्वास्तिर अश्च उपलक्षितः अखिलं बाधतं जाग्रत दशायामिति चे श्रुणो। यदि आप कहो कि यह जो स्वप्न है ये तो बाधित हो जाता है, नहीं रहता हमेशा, तो जाग्रत के बारे में भी वैसा ही है। कैसे? यदि न बाधितः परदिने अपि, यदि ये कहो कि जाग्रत बाधित नहीं होता, स्वप्न बाधित हो जाता है, तो ये बात गलत है। सुषुप्ति में जाग्रत बाधित हो जाता है। और ये कहो कि नहीं दूसरे दिन भी वैसे ही दिखता है, तो स्वप्न भी दूसरे दिन वैसे ही दिखता है। स्वप्न में भी जो हमको नित्य रूप से पंच महाभूत दिखते हैं, पृथ्वी अग्नि इत्यादि, तो क्या वो भिन्न होते हैं? वो तो वही होते हैं। इस प्रकार से स्वप्नस्यापि परदिने न अनुवृत्ति क्व वा वद। किस प्रकार से कह सकते हो कि स्वप्न रिपीट नहीं होता? जरूर रिपीट होता है। ऐसे कभी नहीं होता कि एक दिन स्वप्न में पंच महाभूत देखे, दूसरे दिन में ढाई देखे, तीसरे दिन में छह देखे, ऐसा कभी नहीं होता। अनुवृत्ति होती ही है। तो नानुवृत्तिर भाति स्वप्ने इति चेत नृपते श्रृणु जागृतस्यापि क्वानुवृत्ति भासो नव्यावभासके। यदि कहो कि कल का सपना और आज का सपना एकदम भिन्न होता, तो हम भी ये कहते कि कल की जागृत अवस्था और आज की जागृत अवस्था एकदम भिन्न होती। यदि ऐसा नहीं होता तो कोई भी अपने आप को अंकल अंटी या दादी माँ नानी माँ कहने को तैयार नहीं होता। ये धीरे धीरे अपने आप बदलते ही रहता है, वही की वही चीज रोज नहीं रहती। इस प्रकार से नव्ये अनुवृत्ते भाने पी भांति अन्यत्र तेचे श्रृणु तथा स्वप्ने इति भाति एव अनुवृत्ति ही स्थिर भासने। तो यह स्वप्न दिखने के लिए स्थिर दिखता है, लेकिन उसमें भी अनेक प्रकार के बदल इत्यादि दिखते हैं। मृषा अनुवृत्ति तत्र इति चे जागृति भी सा तथा सूक्ष्म बुद्धिया विमृश तद्वद वस्तु जागृति संस्थितम। यदि कहो कि जागृत में तो अनुवृत्ति पक्की है और स्वप्न में नहीं है, तो ऐसी बात नहीं। स्वप्न में भी जैसी अनुवृत्ति वही की वही चीज बदलती रहती है, जागृत में भी बदलती रहती है। कैसे? कि देह वृक्ष नदी ये नित्य निरंतर प्रवाह बदलते रहते हैं, और यहां तक कि बड़े बड़े पहाड़ उनको मूषक ही उदिकादि भी शूकर ही निर्जरादि भी, बड़े बड़े पहाड़ भी उसके अंदर चूहे चले जाए या नदी उसको काटे, भूकंप आ जाए, तो वो भी बदलते ही है। और इस प्रकार से हमको कहने के लिए है कि पर्वत पक्के हैं, लेकिन वो भी बदलते रहते हैं। आप यदि हिमालय की शिवालिक रेंज पर चले जाओ, शिवालिक रेंज है देहरादून से मसूरी की तरफ जब हम जाते हैं, तो वो जो पहाड़ है हिमालय ही है वो, उसका नाम है शिवालिक पर्वत। आप उसमें देखेंगे पूरे पहाड़ के पहाड़ में शिवलिंग फंसे हुए हैं, जैसे किसी ने डिजाइन बना के रखा है। कारण क्या है कि एक समय में वो नदी का बेड था और उसमें नदी बहती थी, तो इतना ऊपर कम से कम 1000-2000 फुट का ऊपर पहाड़, और वहां से वो नदी बहती बहती नीचे काट काट कर एकदम वहां वैली बन गई है। तो जो पहले नदी का पात्र था वही अब पहाड़ बन गया है। इस प्रकार से नित्य रूप से ये अपि एवं क्षण भेदिना, तो सभी के सभी चीजें नित्य क्षण क्षण में बदलती रहते हैं। अथते संप्रवक्षामी पश्य सूक्ष्म धिया नृप परिच्छिन्नानुवृत्ति ही समय जाग्र स्वप्न जागृतो हो अपरिच्छिन्नानुवृत्ति कार्येषु अत्यंत दुर्लभा अनुवृत्ति कारणेन रूपेणास्ति ही सर्वदा इति चेत कारणम रूतम रूपम पृथ्वी व्याधिमयम किल। हम यदि इस प्रकार का विचार करें
कि नो कल मुझे जो सपना देखा था उसी स्वप्न के लोग आज नहीं दिखते, तो तुम्हारी दृष्टि एक छोटी छोटी बातों में फंसी हुई है, इसीलिए तुमको ये समझ में नहीं आता। यदि स्वप्न को सिद्धांत के रूप से देखो कि जिस प्रकार से कल का सपना और आज का स्वप्न सैद्धांतिक रूप से वही है कारण की दृष्टि से, उसी प्रकार से आज की जो जागृत अवस्था है और कल की है वह भी सैद्धांतिक रूप से वही की वही है। इस प्रकार से अथ स्वप्नस्य बोधो ही जागृति अनुभूयते न जागरस्य बाधस्तु भास्यते कस्यचित् क्वचित् इति जे शृणु वक्षामि बाधो ही अनवभासनम सुषुप्तो सर्वजगतो अपि अनुभूतम अनभासनम। अब यदि कहो कि जागृत हमेशा रहता है स्वप्न नहीं, तो ये भी बात गलत है। दूसरी अवस्था में उनका दर्शन नहीं होता। और अप्रमाण दर्शन कहो, अप्रमाण दर्शन माने इस जगत को असत्य रूप से स्वीकार करना, ये संभव नहीं है। तो कहते हैं कि ये मूर्खों के लिए संभव नहीं है। जिनको तत्व का दर्शन हो गया है वो इस जगत को सत्य के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। तस्मान इदम दृश्य जालम स्वप्न दृश्य समस्थिति ही दीर्घ कालोपि च स्वप्ने भासते निर्विशेषतः। इसलिए ये जागृत मानो दीर्घ स्वप्न है उसी प्रकार से उसमें किसी भी प्रकार की विशेषता नहीं है। तो यथा जागृति जागरत्वम गृहीतम जागरे स्फुटम स्वप्ने पी जागरत्वम तो गृहीतम तद्वदेव ही। ये बहुत महत्व का सिद्धांत यहां बताते हैं कि जैसे हम यहां जागृत अवस्था में होकर के कहते हैं कि हमने सपना देखा था, तो सपने को सपना हम जागृत अवस्था में आने की बात कहते हैं। जब सपने में रहते हैं तो उसको जागृत अवस्था ही कहते हैं। ऐसा कोई नहीं अनुभव होता हमको कि मैं अभी सपना देख रहा हूं। हाँ, देखो कितनी पक्की बात है। यदि हम सपने को सपना कहते हैं सपने में रह करके तो बात अलग है, लेकिन हम सपने को जागृत अवस्था में आने के बाद सपना कहते हैं। ये मालूम है कैसी बात हुई। हमने एक जगह कार्टून पढ़ा, बहुत सुंदर कार्टून था। एक भूतनी और उसकी बीबी दोनों थे, और उधर से दो आदमी आ रहे थे मॉर्निंग वॉक के लिए। तो जब आ रहे थे तो बीबी भूतनी अपने मम्मी भूतनी से कहती है कि मम्मी देखो आदमी आ रहे। तो उसने कहा बेटा तुमको कैसे पता चला कि ये आदमी है। बोले देखो उनके पैर उल्टे हैं। अब हम कहते हैं भूतों के पैर उल्टे हैं, भूत कहते हैं कि आदमियों के पैर उल्टे हैं, और सत्य क्या है। सत्य यह है कि पैर है ही नहीं, केवल तत्व मात्र है। इस प्रकार से जब हम जागृत में हैं तब तो सपने को सपना कहेंगे, लेकिन जब जागृत में रहेंगे तो कोई सपने को सपना नहीं कहता। इसीलिए पिछले बार भी हमने आपको बात बताई थी, ये बात क्लिक हो जाए प्रभु की दया से तो बड़ा आनंद आएगा। तो बात यह है कि मन के द्वारा अनुभूत एक अनुभव के क्षेत्र को हम मिथ्या करके तिरस्कृत कर देते हैं और दूसरे क्षेत्र को सत्य रूप करके स्वीकृत करते हैं और अपने आप को इंटेलिजेंट भी समझते हैं उसी मन के द्वारा। देखो इसलिए या तो सपने को सत्य कहो और जागृत को भी सत्य कहो तो सभी सत्य ही सत्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना वो हमको तकलीफ देता है। कैसे, या तो सबको अपना कहो तो जीवन में कोई कष्ट नहीं, या तो किसी को भी अपना मत कहो तो जीवन में कोई कष्ट नहीं। हम लोग किसको किसको अपना कहते हैं और किसको किसको पराया कहते हैं, और इसीलिए जीवन में दुख होता है। तत्व की दृष्टि से देखें तो कोई भी हमसे भिन्न नहीं है। और जगत को यदि स्वप्न के अनुसार मिथ्या या काल्पनिक देखें तो इसके बारे में दुखी होने की कोई आवश्यकता ही नहीं। हमारे मांडुक्य कारिका में यह विषय आता है कि जागृत और स्वप्न तुल्य समान एक जैसे कैसे है। वहां दो तीन तर्क देते हैं गौड़पादाचार्य महाराज। वो कहते हैं कि
स्वप्न और जागृत कैसे तुल्य है, तो पहले उन्होंने स्वप्न कैसे मिथ्या है ये बता दिया कि स्वप्न कैसे मिथ्या है, कि स्वप्न में जो हमको पैसा मिलता है वो हम जागृत में नहीं ला सकते, स्वप्न के अन्न से जागृत की भूख नहीं मिट सकती। इसीलिए जब अवस्थांतरण हो गया तो वहां के वस्तु अनुभूति और अनुभव लेने वाला तीनों जागृत अवस्था में बाधित हो जाते, और इसीलिए जागृत इसीलिए स्वप्न मिथ्या है। पहले तर्क बोले यही तर्क जागृत के साथ भी लगता है, ज्यादा डटके खाने के बाद नींद आ गई और सपने में यदि भूख से पीड़ित देखा तो पेट में इतना अन्न होते हुए भी भूख की अनुभूति होती है, ये कैसे संभव है। तो माने जिस प्रकार से जागृत में हम स्वप्न को मिथ्या निश्चित करने के लिए तर्क देते हैं इन इन कारणों से स्वप्नावस्था मिथ्या है, वही तर्क जागृत के लिए दिए जा सकते हैं जब हम स्वप्न की दृष्टि से विचार करते हैं। और जागृत और स्वप्न इन दोनों का आधार क्या है, इन दोनों का आधार है वही मन। और इसीलिए जब तक के इस मन को लेकर के हम सेंटिमेंटल बनते रहेंगे तब तक के तत्व का दर्शन नहीं होगा। अच्छा, यहां तक आने के पश्चात फिर कहते हैं यथा जागृति जागृतत्वं गृहीतं जागरे स्फुटं स्वप्नेपि जागरत्वं तु गृहीतं तद्वदेव ही। तो जैसे जागृत में हम अपने आप को जागृत समझते हैं वैसे स्वप्न में भी हम अपने आप को जागृत ही समझते हैं, ये बहुत बड़ा विचार है। अच्छा, हम स्वप्न को स्वप्न कब समझते हैं, जब स्वप्न की परिच्छिन्नता से परे चले जाते हैं तब हम स्वप्न को सपना कहते हैं, और फिर उस सपने को सोच करके याद करके दुखी थोड़ी होते, मजा आता है कि वहां तो मैं कम से कम पास हो गया था। नॉर्मली तो नहीं होता, वहां तो पास हो गया था। उसी प्रकार से जब हम इस जागृत अवस्था से जग जाएंगे, इसलिए हमारा मांडुक्य उपनिषद जागृत अवस्था को जागृत अवस्था नहीं कहता, वहां तो केवल दो ही अवस्था है, एक सुषुप्ति अवस्था और दूसरी स्वप्नावस्था, क्योंकि जागृत और स्वप्न दोनों को तुल्य माना गया है वहां। तो जब हम अपने स्वरूप में जग जाएंगे तब पता चलेगा कि ये जो जागृत जागृत चल रहा है, जागृत नाम की कोई चीज है ही नहीं। अच्छा महाराज, एवं स्थिते कुतो राजन विशेषः स्वप्न जागृतो हो तत् स्वप्न निज बंधुस्त्वम न ही शोषति वैकुतः। अब इस प्रकार से सिद्धांत बढ़ाने के बाद कहते हैं कि हे राजन, अब किस हिसाब से तुम जागृत और स्वप्न को भिन्न मानते हो, और यदि ये जागृत स्वप्न एक है तो स्वप्न की बीवी उसने करी गड़बड़ी, स्वप्न के बच्चे उन्होंने किया हुआ फेल्यूर, और स्वप्न का बिजनेस जिसमें हुआ सब लॉस, उसको कोई महात्म्य देते हैं क्या हम जागृत में। उसी प्रकार से यह जागृत भी वैसे ही है, केवलम भावना मात्रात सत्यता जगति स्थिता शून्यता भावने नापि शून्यम निष्प्रति घम भवेत। अब यहां से भिन्न प्रसंग प्रारंभ होता है। कहते हैं ये जगत को हमने सत्य क्यों माना है, हमने जगत को प्रैक्टिस करके सत्य माना है, कुछ नहीं, भावना मात्रात केवलम भावना मात्रात सत्यता जगति स्थिता। किसी भी एक वस्तु को आप प्रयत्न करके देख लेना, किसी भी एक वस्तु को हजार बार दोहराओ ना तो उसमें सत्यत्व बुद्धि जागृत हो जाती है। कैसे, जब व्यक्ति इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है ना तब दिमाग में अनेक प्रकार के विघ्न आ जाते हैं, लेकिन वो विघ्न है ये समझ में नहीं आता। कैसे कि व्यक्ति को ऐसे लगने लग जाता है कि मैं दूसरे का भला कर सकता हूं और मेरे कारण लोगों को फायदा होता है और लोग मेरे पास आकर के मेरा एडवाइस लेते हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट हो रहा है और ऐसे लगता है कि अब कुछ ना कुछ होगा, केवल छींक आती है कुछ नहीं होता।
और यहां यदि हम अपने आप को ना सुधारे तो धीरे धीरे लग जाता है कि अब मैं महात्मा बन रहा हूं। जैसे मेंढक अपने आप को बैल के साइज का फुलाने के लिए ट्राई करे तो फूट जाएगा। और इस भावना को ही हम कुछ दिनों के बाद सत्य के रूप में स्वीकारना शुरू करते हैं। इसलिए जितना जगत है ये केवल हमने ही उसको सत्यत्व देने के कारण या महत्व देने के कारण सत्यता को प्राप्त हो चुका है। तो जगत के सत्य का मूल कारण हमारी भावना है। और शून्यता भावने नापि, जो वही भावना विपरीत कर देते हैं शून्यता, तो क्या कहते हैं, निष्प्रतिघम भवेत, फिर हम इस जगत के किसी भी परेशानियों से दुखी नहीं होते। जैसे अब ये कॉमन एग्जाम्पल है, पहले विवाह और उसके बाद डाइवोर्स, ये दोनों केवल भावना की चक्कर है। हम विवाह करने के बाद केवल भावना करते हैं कि ये लड़का या ये लड़की, मेरे पति या मेरा पत्नी जो भी है, बिल्कुल बहुत सिंसियर है, अच्छे है, केवल भावना ही चल रही है, बाकी कुछ नहीं होता। इस जगत में कोई सिंसियर नहीं है। सत्य ये केवल परमात्मा सिंसियर है, सब खिलौने हैं, इधर उधर नाच रहे हैं और हम उसमें कल्पना करते हैं। अच्छा, जब तक अपनी इस कल्पना को धक्का नहीं लगता तब तक के दोनों का एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम है। और एक दिन अपनी ही गलती के कारण, वास्तविक नहीं, अपनी ही गलती के कारण कोई अपने इस रिश्ते में कोई धक्का लग गया, तो उसी दिन से संसार का रूप एकदम बदल गया। दोन ध्रुवावर दोगे आपण तू तिकडे। ये सब तमाशा है, इसमें सीरियस लेने की कोई बात नहीं। एक हम आपको बात बताए, दिल्ली की है। और ये बात हुई है दूसरे देश में, हमको दिल्ली में जब थे तब हमको पता चला। एक सज्जन थे, वो ऐसे ही यज्ञ के लिए आ गए लेक्चर्स के लिए, और आने के बाद दो चार दिन आठ दिन लेक्चर सुने और फिर हमको मिले अकेले में। अकेले में मिलने के बाद उन्होंने अपनी समस्या सुनाई। बोले, स्वामी जी मेरी समस्या का समाधान आपने कर दिया। मैंने, बहुत बढ़िया, मुझे समस्या भी मत बताओ और समाधान भी मत बताओ, सुखी रहो बस। बोले, नहीं मुझे जब तक आपको नहीं बताऊंगा तसल्ली नहीं होगी। तो मैंने कहा ठीक है, प्रारब्ध शुरू करो। उन्होंने शुरू कर दिया। बोले, मैं ये आपके वेदांत के विचारों के कारण ही अपने फैमिली को मेंटेन कर पा रहा हूं। तो हमने क्या कहा कि आपने फिर उनको लेक्चर देना बंद कर दिया, क्योंकि लेक्चर यदि दोगे घर में वेदांत का तो घर टूट जाएगा। घरों में वेदांत का लेक्चर नहीं देना चाहिए। यही बात होती है, हमने कई बार देखा है, थोड़ा बहुत इधर उधर की वेदांत की बात पढ़ लो ना, तो बिना जाने दूसरे को उपदेश करने की प्रेरणा हो जाती है, बिना जाने। समझो, पतिदेव आ गए गिले होकर के, देखो मैंने तुमको कहा था सुबह छाता दे, तुमने दिया नहीं, मैं गिला हो गया। तो तुरंत पत्नी उवाच, एक आध दिन गिले हो गए तो क्या हो गया, बह गए पानी में। माने हमने जो नहीं किया उसको तो नहीं कहेंगे, ऊपर से एकदम वेदांत का छप्पा लगा देंगे। तो धीरे धीरे हमारे जीवन में फिर अलगाव आने लग जाता है। देखो भैया, सभी वेदांत श्रोता, लाइफ इज नॉट लॉजिक नॉर ए मैटर ऑफ फैक्ट, लाइफ इज अ मैटर ऑफ लव। ये जब होगा तब हमारा वेदांत ज्ञान परिपक्व हुआ है। अच्छा, जब हमने उनको पूछा, हाँ बताओ क्या है तुम्हारा, तो बोले, हमारे घर में हम जो चीज आपको बताने जा रहे हैं वो होने के बाद आप क्या करते। उन्होंने सब अपनी जो परेशानी थी वो बताई। तो हमने कहा, हम ये करते कि हम जो है उसको वैसा ही स्वीकार करते।
क्योंकि बदल तो नहीं सकते। तो स्वीकार कैसा करें, दुखी होकर के या सुखी होकर के? तो वो निर्णय हम लेते कि हम जितना हो सके दुखी नहीं होंगे। पहले दो चार दिन कष्ट हो गए, धीरे धीरे भावना करने से आदत हो जाती है। और फिर उन्होंने कहा कि स्वामी जी हमने यही किया। हमारे घर में ऐसे प्रसंग हो गए थे कि कोई सवाल ही नहीं कि हम दोनों और हमारे बच्चे एक घर में रहे। लेकिन रोज हम अपने आप को बड़े कंट्रोल करते थे, और कंट्रोल करना माने क्या, अपने भावना को बदलना। जो कंट्रोल होता है ना अपने आप पर, कंट्रोल माने ऐसा नहीं हाथ पर पकड़ के बांध के रखना है, ये भावना करना कि यह जो हो रहा है ये मेरे ही कारण है, ये जो हो रहा है इसमें कोई मेरा भला छिपा हुआ है, भगवान नित्य निरंतर मेरे साथ है। ये जितनी भावना करते रहेंगे आप देखेंगे जगत के कष्ट, जगत के सुख दुख हमको उतने दुखी नहीं कर सकते जितने हम पहले दुखी हो सकते। ये है भावना का प्रभाव, ये है भावना की शक्ति। इसलिए कहते हैं हाँ, केवलम भावना मात्रा सत्यता जगति स्थिता शून्यता भावने नापि शून्यम निष्प्रतिगम भवेद। तो जितने भी समस्याएं हैं ये भावना के द्वारा निर्मित है और भावना के द्वारा ही नष्ट हो सकते। ये प्रसंग आपको पाश्चात्य संस्कृति में बहुत मिलते हैं, दोनों मिलते हैं प्रेम के बहाने, प्रेम खत्म हो जाता है तब शादी करते हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद उनको समझ में आ जाता है कि दे आर नॉट मेंट फॉर ईच अदर बट दे आर मैड एट ईच अदर। उसके बाद फिर वो निश्चय कर लेते हैं कि लेट मी सेपरेट, लेट मी ट्राई विथ अनदर। इस प्रकार से वो दो चार छह बीबियां या पति एक जन्म में बदल लेते हैं। उसके बाद जब एक दूसरे का इंट्रोडक्शन होता है कहीं जाकर के, तो इस प्रकार से स्पष्ट कहते शी इज माई एक्स वाइफ, जिससे अपने एक्स मिनिस्टर होते वैसे, शी इज माई एक्स वाइफ एंड शी इज माई लेटेस्ट वन, लेटेस्ट डिजाइन। तो जब वो बताते हैं कि ये पहले मेरी पत्नी थी, तो अब उसको जो कुछ सुख दुख हो रहा है उसका प्रभाव उस आदमी के मन पर नहीं होता। क्यों? कि उसने ये भावना कर ली है कि अब इसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। देखो कितनी सरल बात है, इसका मतलब गलत मत निकालना, इसका मतलब यह है कि हम यदि अपने जीवन में भावना के ही कारण जगत में सुखी दुखी होते हैं ये समझ लिया, तो हम अपने भावनाओं को बदलने का जो प्रयास करेंगे उसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। और भावना ही अप्रमाणत्वम वैधुर्येण स्थिरीकृता भवेत तदात्म भावेन सत्यमेतन महीपते। इसलिए जब हम भावना के द्वारा इस जगत के सत्यत्व का त्याग करेंगे तब ये जगत हमको कभी कष्ट नहीं कर सकता। निदर्शनम तत्र चेदम जगत एतद् दृष्टमेवते इमं शैलं परिक्रम्य यो वै पश्याव संप्रति। अब ये भावना के द्वारा किस प्रकार से भिन्न अनुभूतियां होती है कहते हैं कि अभी मैं तुमको बताता हूं कैसे। ये जो बड़ी शिला है जिसमें हम लोग अभी घुस के वापस आए थे, वहां एक दिन रहे और बाहर आकर के 12 करोड़ वर्ष चले गए। अभी तो किया था तुमने एक्सपीरियंस, बोले हाँ चलो। उसका उन्होंने हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके उसको चक्कर लगाई, और वो था हार्डली एक आधा किलोमीटर का चक्कर। वो चक्कर लगाने के बाद फिर बोले देखो ये कितना टाइम लगा तुमको आने में, आधे घंटे में हम चक्कर लगा के आए, और इतना छोटा सा यह पत्थर और इसके अंदर में इतना विस्तार युक्त संपूर्ण विश्व, और बाहर का 12 अरब वर्ष बीत गए, दिस इज द टाइम स्केल इन द आउटर वर्ल्ड, और इस पत्थर के अंदर में जो तुमने मेरी निर्माण करी हुई सृष्टि देखी वहां तुमने केवल एक दिन में देखा। अब इसे ये बताओ कि पत्थर के अंदर में तुमने जो अनुभूत किया था वो सत्य था कि ये जो देख रहे हो ये सत्य है? देखो इसी एक चीज को लेकर के
जनक महाराज को उपदेश प्राप्त हुआ था। हम अपने जागृत अवस्था के अनुभूतियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि विवेक युक्त विचार करने को तैयार ही नहीं। यदि हम स्वप्न को मन का खेल कह करके तिरस्कृत करते हैं तो जागृत अवस्था भी तो मन का ही खेल है, कुछ नहीं है दूसरा। कहते हैं एष जागृत कुत स्वप्न सत्यो मिथ्यात्मको पिवा शैलोके एक दिनम तत्र द्वादश अर्बुदा वत्सरान अनुभूतास्ते सत्यासत्य विवेचय विवेचनम नास्य भवेत स्वप्नयो भिन्नयो इव। यदि तुम इस शिला देश के अनुभूति को और बाहर के अनुभूति को कंपेयर करना चाहोगे तो ये कंपेयर हो ही नहीं सकता। कैसे एक स्वप्न में हम भिखारी बने, दूसरे स्वप्न में हमारा अनुभव हम प्राइम मिनिस्टर बने, तो ये दो सपनों का कोई कंपैरिजन नहीं है क्योंकि दोनों में कोई तथ्य नहीं है। इसी प्रकार से तस्माद एतद् विद्धि जगत भावना मात्र सारकम अभाव्यमानम च एतत्तु लीयते क्षण मात्रतः। और इसीलिए ये संपूर्ण जो जगत है केवल अपने भावना का ही विस्तार है। देखो भैया, जगत जगत किसको कहते हैं? पंच महाभूत और उसके द्वारा बने हुए भिन्न देह, इसको जगत नहीं कहते। जगत तब प्रारंभ हो जाता है कि जब इन सभी देहों में एक देह को हम मैं के रूप में स्वीकार करते हैं और इसीलिए बाकी देहों को मैं नहीं हूं इस रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और फिर ये जो भिन्नता की भावना है, आप देखो इसमें कौन सा लॉजिक है। सपना जब हम देखते हैं उस सपने में कितनी सारी चीजें होती है, जड़ से लेकर के चेतन तक, लेकिन उन सभी में से एक देह के साथ हम तादात्म्य करके ये अनुभूति करते हैं कि मैं अच्छा सपना देख रहा हूं, मैं बुरा सपना देख रहा हूं, कोई मुझे मदद कर रहा है, कोई मेरा दुश्मन है। अब ये कौन सा लॉजिक है कि पूरा का पूरा सपना एक ही मन का प्रक्षेपण है, उसमें से एकमात्र देह के साथ तादात्म्य है और बाकी को हमने अनात्म रूप से ग्रहण कर लिया है और सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं। माने हमने जो एक देह के साथ तादात्म्य किया, इसका कोई लॉजिक नहीं, कोई रीजन नहीं, कोई मतलब नहीं। यही बात जागृत में है। यहां हम ये कहते हैं कि ये देह मेरा है, इसका क्या प्रूफ है? देह को पूछो। जैसे हमारे जेब में 100 रुपए है और किसी ने उसको उठा करके अपने जेब में रख ली, तो वो 100 रुपए को क्या फर्क पड़ता है किसकी जेब में। उसी प्रकार से ये देह को जब तक हम पकड़ के रखते हैं तभी इसका महात्म्य है, देह को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे गर्मी के दिनों में या जाड़े के दिनों में जब लोग सोते हैं और उस सुषुप्त अवस्था में स्थूल देह के साथ तादात्म्य एकदम समाप्त हो गया है और उसमें आप देखेंगे वो हृदय के अंदर में या बगल में एक कुत्ता जाके सोता है और दोनों भी आदमी और कुत्ता साथ साथ बड़े प्यार से सोते हैं, क्योंकि उस समय दोनों ने भी अपने स्थूल देह के साथ तादात्म्य छोड़ दिया है। उस समय उस स्थूल देह को ये नहीं होता कि देखो मैं कुत्ते के साथ कैसे सोता हूं, मैं कोई पढ़ा लिखा थोड़ी हूं, है ना। इसीलिए यहां कहते हैं अभाव्यमानम चेतत्तु लीयते क्षण मात्रतः। जहां हमने अभाव्यमानम भावना का तिरस्कार कर दिया, यह संपूर्ण सृष्टि संपूर्ण जगत एकदम क्षण मात्र में नष्ट लीन हो जाता है। तस्मात् शोकम जहि नृप वेक्ष स्वप्न समम जगत स्वप्न चित्र भित्ति भूतम स्वात्मानम संविदात्मकम। अब यहां से बहुत सूक्ष्म विचार करते हैं। कहते हैं इस प्रकार से इस जगत को स्वप्न तुल्य समझ करके इसका तिरस्कार करो, उसका तिरस्कार करे, फिर हम कौन है? हमारा दूसरा प्रश्न,
तो कहते हैं कि तस्मात् शोकम जहि, और स्वप्न चित्र भित्तिभूतम स्वात्मानम संविदात्मकम मत्वा, अपने आप को यह स्वप्न जिस दीवाल पर खींचा गया है, उस दर्पण रूपी दीवाल को जो शुद्ध चेतना है, संवित रूप है, उसके रूप में अपने आप को स्वीकार करो। देखो ये जो विचार है इस त्रिपुरा रहस्य में 10 बार रिपीट हुआ है, और ये विचार जब समझ में आ जाएगा तब समझ लेना हमने बहुत बड़ी छलांग लगाई है अपने आध्यात्मिक विचार में। जब हम दर्पण में किसी प्रतिबिंब को देखते हैं तो उसका विश्लेषण करें, तो विश्लेषण ये होता है कि एक दर्पण में जो जो प्रतिबिंबित है वो वास्तविक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो जो दर्पण है वो सॉलिड है, और उस सॉलिड दर्पण के अंदर में जो आकाश है जिसमें सारा का सारा जगत बैठा हुआ है, उस सॉलिड दर्पण के अंदर में यह अवकाश प्राप्त आकाश कहां से आया? तो हमको क्या कहना पड़ेगा कि यह जो सॉलिड दर्पण है, जो घनीभूत आईना है, वही अपने आप को अवकाश के रूप में अभिव्यक्त कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें जो भिन्नता है जड़ और चेतन की, तो वही एक दर्पण एक स्थान में जड़त्व के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है और दूसरे स्थान में चैतन्य के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, क्योंकि दर्पण में दिखी हुई जड़ता और चेतनता दोनों तुल्य है। जैसे दर्पण में एक चित्र हमने देखा प्रतिबिंबित कि एक चिड़िया आकर के कुछ दाने चुग रही है, तो उस जो दाने का प्रतिबिंब है वो भी सत्य नहीं है और जो चिड़िया है वो भी सत्य नहीं है, और ये हम समझते हैं इसीलिए दुखी नहीं होते, चिड़िया समझती नहीं इसीलिए दुखी हो जाती है। तो यही अपने आप पर अप्लाई करें कि हम शुद्ध चैतन्य, और इस शुद्ध चैतन्य एक दर्पण के दीवाल के जैसा, और इस दर्पण के दीवाल के जैसे शुद्ध चैतन्य पर यह विश्व रूपी चित्र पेंट किया गया है, रिफ्लेक्ट हो गया है, और इसीलिए एक ही चैतन्य कहीं आकाश के रूप में, कहीं पंचभूतों के रूप में, कहीं जड़ के रूप में, कहीं चेतन के रूप में, कहीं द्रव्य के रूप में, कहीं क्रिया के रूप में, कहीं ज्ञान के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। इस प्रकार से इस जगत का वास्तविक तात्पर्य इस चेतना को अपने स्वरूप में जानने में है। सो दर्पण प्रतिबिंब मत्वा संस्थितोसी यथा तथा, जागृत चित्र दर्पणम चे आत्मानम चिदात्मकम परमानंद परमानंदित स्वांतहा भव शीघ्रम वही पते। तो अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति केवल एक ही पद्धति से हो सकती है, दूसरी कोई पद्धति नहीं, और वो ये कि संपूर्ण जगत के अधिष्ठान के रूप में जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं तब। यहां तक के हमने 13वां अध्याय पूरा किया है, इस ग्रंथ में 22 अध्याय है, देखते हैं प्रभु की जैसी इच्छा होगी पूरा होगा नहीं होगा। अब 14वें अध्याय में विषय प्रारंभ करते हैं। इत्याकर्णम मुनिवचहा विचार्य शुभयाधिया जगस्थितिम स्वाप्न समाम ज्ञात्वा शोकम जहो द्रुतम। ये सब बात सुनी उसके बाद उस महासेन राजा ने अपने आप को संभाल लिया। तो उसके जीवन में शोक था, उस शोक का उसने तिरस्कार किया, और उसके बाद फिर उसने प्रश्न पूछा। ध्यान से सुनना, ये बातें जो होती है दिखने के लिए ऐसे लगते कहानी बता रहे हैं,
लेकिन उसे बहुत छोटी छोटी बातें सिखाई जाती है। जब तक हम अपने ही दुख में शोक में डूबे हुए हैं तब तक के तत्व चिंतन नहीं हो सकता। बहुत महत्व की बात है। और जो तत्व चिंतन करने के लिए अक्षम होते हैं, सक्षम नहीं होते, उनके लिए फिर हमारे शास्त्र साधु संत ऐसी कुछ बात बताते हैं कि इस आदमी को कम से कम बिजी रखे, मुझे आके डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि तत्व चिंतन करने वाले व्यक्ति का जो विचार करने का प्रकार है वो भिन्न होता है। हमने शायद आपको बताया होगा, एक अम्मा हमारे लिए खाना लाती थी, अमेरिका की बात है, और आकर के कभी कोई बोलती नहीं थी, तो जो कोई बोलता नहीं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, तो खाना खिलाती थी चली जाती थी, और हमने कभी पूछा भी नहीं, नहीं बोलती तो बहुत अच्छा है। एक दिन बोलने लग गई तो हमने कहा कि अम्मा आप बोलती भी हो, मुझे लगा आप बोलती नहीं। बोले नहीं स्वामी जी, मुझे मेरे गुरु महाराज ने कहा कि मौन धारण करो, तो मैं 15 दिन महीना दो महीने मौन धारण करती हूँ, फिर एक आध बार बोल देती हूँ और फिर धारण करती हूँ मौन। तो ठीक किया क्या उन्होंने? हमने कहा कि आपके गुरु ने कहा तो गलत कैसे होगा, ठीक ही होगा। और फिर वो अम्मा मेरे साथ 2-3 घंटे रही नॉन स्टॉप, इतना जबरदस्त हो रहा। उसके बाद मैंने कहा कि आपके गुरु महाराज का नाम क्या है, उन्होंने बताया, हमने कहा कि धन्य है वो कि जिन्होंने आपको योग्य प्रकार से साधना करने के निर्देश दिए हैं। स्वामी जी ठीक बताया, बिल्कुल ठीक बताया। उन्होंने क्या बताया कि कभी कभी 6-6 महीने 2-2 महीने कर लिया करो, बोला ऐसे नहीं, हमेशा के लिए मोड़ो। अब ये देखो, मौन करना या लिखते रहो दुनिया भर की चीजें से राम 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 राम, ये इसके द्वारा क्या होता है मालूम है? कम से कम वो व्यक्ति दूसरे को जाके डिस्टर्ब नहीं करता, इससे ज्यादा कोई लाभ नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, हमको अपने मन में जब तक के इस जगत को भर के रखे हैं, अपने ही सुख दुख में दबे हुए हैं, तब कहां परमात्मा का चिंतन मनन या स्मरण हो सकता है। यहां इसीलिए बताते हैं इति आकर्ण्य, इस प्रकार से विवेक विचार प्राप्त होने के पश्चात उस महासेन राजा ने अपने अंतकरण से शोक मोह का त्याग कर दिया। इसीलिए हमारे भगवान शंकराचार्य कहते हैं सत्संगत्वे निसंगत्व, सत्संग करने के बाद भी हम अपने घर के समाज के छोटी मोटी चीजों को लेकर के दुखी बने रहेंगे तो ये तो सत्संग हमने किया ही नहीं। इसीलिए आप देखेंगे सत्संग में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आते हैं। एक प्रकार के लोग जिनको घर में नींद नहीं आती, वो कहते हैं कि स्वामी जी आपको क्या बताएं, आपके वाणी में एनेस्थीसिया है। कि मुझे कोई दवाई नहीं सुला सकती, लेकिन बस आपके प्रसंग प्रवचन में आ गए और बढ़िया नींद हो गई, धन्यवाद, अब मैं नित्य आऊंगा। तो जब हम अपने ही इस चक्कर में फंसे हुए हैं, कहां तत्व का चिंतन होगा? पहले जीवन में आवश्यकता है इस बात की, जीवन में दुखी होना बंद कर दे हमेशा के लिए। नथिंग कैन जस्टिफाई दैट वी आर मिजरेबल, चाहे कोई कुछ भी करे। मुझे अभी एक फोन आया था 4-6 दिन पहले। एक अम्मा, हम उसके पूरे फैमिली को जानते हैं, और उसने बड़े मुश्किल से फोन किया, बोले स्वामी जी मैंने आपको 1 साल के बाद फोन किया इसलिए कि अब मैं थोड़ी सुधर गई हूं। मैंने क्या हुआ? फिर उसने बताया कि मैं और मेरे पति और हमेशा सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन पता नहीं, मुझे एक दिन पता चला कि वो किसी लड़की के चक्कर में है,
और उस दिन से मैं बहुत दुखी हो गई हूं, तो क्या करे। तो हमने कहा कि देखो, इतना वेदांत श्रवण किया कि जब अपना देह मिथ्या है, मैं देह नहीं हूं, देह में विकार है, उसी प्रकार से सबके साथ वही गणित है। ज्यादा इसको महत्व मत दो। यदि हम इस कल्पना को लेकर चलेंगे कि इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति एकदम 100% परिपूर्ण परफेक्ट प्योर है, तो स्वयं को भी आत्महत्या करनी पड़ेगी। सत्य ये है जगत का, इसीलिए जानना ही है तो किसी के बारे में मत जाने, जानना ही है तो प्रभु के बारे में जाने। ये बात समझ में नहीं आती। हम सोचते हैं हम तो बड़े दूध के धुले हुए, अपने आप जाग करके देखे तो पता चलेगा दूध फटा हुआ था। पवित्र दूध नहीं था। इत्याग कर्ण मुनि वचा विचारे शुभया दिया। ये सब विवेक की बातें सुनने के बाद शुभया धिया, शुभया धिया माने प्रसन्न चित्त से। फिर उन्होंने जगत स्थिति स्वप्न समाम ज्ञात्वा, जहां उन्होंने इस जगत को स्वप्न तुल्य स्वीकार किया, उसी क्षण शोकम जहौ द्रुतम, उसी क्षण उन्होंने अपने जीवन का जो दुख था कि मेरी सब फैमिली नष्ट हो गई, उसी क्षण छोड़ दिया। नारद भगवान के जीवन में एक कहानी आती है, वो भागवत पुराण में बताते हैं। कहते हैं कि जब मैं छोटा था, दासी पुत्र, और मेरी माँ किसी के घर में साफ सफाई का काम करती थी, और मेरे पिताजी का पता नहीं था कौन थे क्या थे, इस प्रकार से मैं बड़ा हो रहा था। और मैं वहां सत्संग की मंडली आती थी, तो वहां जाकर के बैठ के सत्संग सुनता था, और मुझे उसमें बड़ा मजा आता था, और इसीलिए मैं उन संतों के पास रहने के लिए उनकी सेवा करता था। उनके लिए पानी ले आए, उनके लिए खाना ले आए, उनके साफ सफाई कर दे, इसी बहाने मैं उनके पास रहने लग गया। और फिर ऐसा चलता हुआ कई 2-4 साल निकल गए, और फिर एक दिन मेरी माँ गई वो गाय के स्थान पर दूध निकालने के लिए, और जब दूध निकालने के लिए गई तो वहां एक सांप आया, और उस सांप ने मेरी माँ को काटा, क्योंकि सांप भी दूध दोहने के लिए आया था, और मेरी माँ भी दूध दोहने के लिए गई थी, तो इसीलिए सांप ने गुस्सा करके माँ को काटा, वो मर गई। उसके बाद क्या बताओ, मजा ही मजा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं था, और मैं अपने आप को नित्य निरंतर बस साधु संतों के संग में रखता गया, और इतना मुझ में वैराग्य जागृत हो गया कि प्रभु के नाम स्मरण के सिवा मुझे दूसरा कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। अब इसी उदाहरण को ठीक से समझ लेना, ये मत प्रार्थना करना कि भगवान अपनी भी माँ है। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है, जिसके कारण हम इस जगत में बंधे बंधे रहते हैं, यदि उस कारण के साथ जो हमने मानसिक बंधन निर्माण किया है, उस मानसिक बंधन को स्वयं होकर के त्याग दे, तो उस वस्तु व्यक्ति के साथ रहते हुए भी हम स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। और यदि वो हम करने के लिए लायक नहीं है, तो भगवान हमारे जीवन में अवतरित होते हैं। कैसे? हमारे ही बच्चे हमारी नहीं मानते, हमारी ही बीवी या पति हमको परेशान करते हैं, हमारा बॉस हमको कष्ट देता है, हमारे बिजनेस में हम फेलियर होते हैं। ये सब का तात्पर्य क्या है कि ये जागृत अवस्था में धक्के खाना बहुत हो गया, अब जरा उठो, अपने जीवन को सुधारो। इस प्रकार से जब व्यक्ति जगत को लेकर के दुखी होना बंद कर देता है,
तब वो तत्व चिंतन का अधिकारी बनता है। बहुत कम ऐसे होते हैं कि जो सत्संग में या साधु संतों के पास तत्व चिंतन के लिए जाते हैं। नॉर्मली हम लोग जाते हैं, मेरे बीबी ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे सास ऐसे हैं, मेरी ससुर ऐसे हैं, वो बूढ़े हैं, बदलते नहीं, अब मैं क्या करूं। हमको किसी ने पूछा, दो तीन स्वामी जी हमारे सास ससुर बूढ़े हैं, एक है 85 एक है 80, दोनों बहुत तगड़े हैं और बहुत घर में परेशान करते हैं, मैं क्या करूं, हम तंग आ गए। हमने कहा भगवान से प्रार्थना करो। इस समय ये कल्पना करोगे कि 85 साल में जाकर के कोई बदल सकता है तो असंभव है। जो वृद्ध लोग होते हैं उनको टाइम पास करने के लिए स्वीकार करूंगा, बोला देयर इज नो वे आउट, द ओनली वे आउट इज वेट एंड प्रे टू द लॉर्ड। मृत्युंजय भगवान को प्रे कर। अच्छा, ये सबका तात्पर्य शोकम जहौ द्रुतम, जीवन से ये शोक से निवृत्त हो गए। उसके बाद धैर्यम आलभ्य निःशोक भुजो अपृच्छन् मुने हे सुतम मुनिपुत्र महाबुद्धे त्वं परावर दर्शनः। जब उनके जीवन का यह शोक नष्ट हो गया, फिर धैर्यम आलम्ब्य, फिर उनको तत्व की बात पूछने की हिम्मत पैदा हुई। देखो हमारा मुंडको उपनिषद कहता है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, यह आत्म तत्व डरपोक लोगों को प्राप्त नहीं हो सकता। डर किसका, डर इसका, कुछ छूट जाएगा, कुछ छूट जाएगा, कुछ छूट जाएगा। जो व्यक्ति कोई चीज छोड़ने को या छूटने से डरता है वो तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए धैर्यम आलभ्य, धैर्य के द्वारा निःशोक हो करके उसने फिर जाकर के उस मुनिपुत्र को कहा कि हे महाबुद्धे त्वं परावर दर्शनः, आप तो सर्वज्ञ है, आपको सब कुछ पता है, और तथा अपि अविद्यतम किंचित मन्ने स्यात् इति लेशतः पृच्छामि यद् अहम् तन्मे कृपया वक्तुम अर्हसि। अब आपने जो बताया वो मुझे समझ में तो आ गया काफी हद तक, लेकिन फिर भी मेरे मन में कोई ना कोई डाउट है, वो मैं पूछता हूं, आप जरा बताइएगा। कहते हैं भावना प्रभवम एतत् सर्वम वदसि तत्कथम मया भूतो भाविते च न बहि सर्वथा भवेत्। आप कहते हो कि केवल भावना के द्वारा सब जगत की निर्मिति होती है, मैं भी भावना करता हूं। कभी इस समय में तुरंत एक बढ़िया रसगुल्ले का पात्र आ जाए, कुछ नहीं आता। या मैं भी भावना करता हूं कि मुझे लॉटरी का टिकट लग जाए, नहीं लगता। तो आप जो कहते हैं कि ये जगत भावना मात्र है और भावना हम भी करते हैं लेकिन होता कुछ नहीं, तो कहते हैं ये किस प्रकार से हम स्वीकार करें। मया भूतो भाविते, मैंने अगेन एंड अगेन फिर भावना करी, न वही सर्वथा तथा भवेत, बाहर वैसा कुछ नहीं होता। त्वया तु भावना सिद्ध्या शैललोकः प्रकल्पितः अथापि देशकालश्च युगपद विविध कथम। और आपने केवल अपने भावना शक्ति के द्वारा इस शिला लोक का निर्माण किया था। अब मेरे सामने प्रश्न ये है, तो दो प्रश्न हो गए कि आपने भावना करके शिलालोक का निर्माण कर लिया, मैं भावना करता हूं तो मच्छर भी उठ के नहीं जाता, वो वहीं रहता है। दूसरी बात, वहां का जो टाइम स्केल था कि जिस टाइम स्केल में हमने केवल एक दिन बिताया और बाहर जब आ गए तो यहां 12 अरब साल बीत गए। दूसरी बात, ये बाहर का आकाश इतना विस्तार युक्त है और उस शिला देश का आकार एकदम छोटा सा था, तो एक ही साथ दो टाइम स्केल और एक ही साथ आकाश का भिन्न रूप, ये कैसे संभव है, ये उसका प्रश्न है। अब देखो कितना सुंदर विचार शुरू हो गया। जिस व्यक्ति का इस देश काल के बारे में चिंतन शुरू हो जाएगा
वो व्यक्ति मुझे सुबह चाय नहीं मिली, चाय में चीनी कम थी, उन्होंने मुझे बुलाया नहीं शादी के लिए, उन्होंने कहा कि गणपति के जैसे आ जा हम तुम्हारा विसर्जन कर देंगे, सबके सामने कह दिया। छोटी छोटी चीजों को लेकर के जो क्या क्या करना है वो सब बंद हो जाएगा जहां हमारा चिंतन तत्व के प्रति शुरू हो गया। अब ये पूछने के बाद तत्र असत्यम अन्य तरफ कतमम तन मया ईरम इति पृष्टो मुनिसुतः प्रवक्तुम उपचक्रमे। तो कहते ये जो दो मेरी अनुभूतियां है, स्वप्न में जो देखी वो, ये शिला देश में देखी वो और जागृत में देखी वो, और इन दोनों में मुझे सत्य की अनुभूति आ रही थी, तो इन दोनों में से कौन सा सत्य है, क्या दोनों असत्य है, इसके बारे में मैं कुछ निश्चय नहीं कर रहा हूं, इसीलिए आप मुझे बताइए क्या करें। अब यहां भावना का तात्पर्य क्या है इसको बताने के पहले एक दो चीज हम बता दें आपको जो हमने हमारे स्वामी जी में देखी, वो ये है कि साधक का जीवन ऐसा हो कि जिसके द्वारा हम अपने ज्ञान का अनादर ना करें, जो अपने ही ज्ञान का अनादर करता है वह साधक नहीं, और जब हम अपने ज्ञान का अनादर कर लेते हैं तो हमारी भावना करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। एक दो उदाहरण से पता चलेगा, जैसे हम लोग अपने बच्चों को बोलते हैं भैया ऐसा मत करो, जोर जोर से हंसा मत करो, ठीक से बैठा करो, समाज में बैठे हो, तो हम कहते अपने बच्चों को, वो नहीं मानते। वही बात उन्हीं शब्दों में जब कोई साधु संत कहते हैं तो मान लेते हैं। देखो जब हम अपने ही घर में होते हैं तो हमेशा झगड़े बने रहते हैं, जब उसी अपने घर में एक आध दिन कोई साधु संत आता है, दो रोटियां फाड़ के चला जाता है और उसके बाद केवल एक सहजता से शब्द उच्चारण करता है, दुरितांचे तिमिर जाओ विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, दो शब्द कह के चला जाता है, उसके बाद घर में एकदम शांति, क्या हो गया? इसका कारण है यह भावना शक्ति, और यह भावना शक्ति को जागृत करना यही त्रिपुरा देवी के प्रति उपासना है। इसीलिए जो हम साधना करते हैं ना, भगवान का नाम लेना, पानी चढ़ाना, दूध चढ़ाना, अगरबत्ती, तेल, चक्कर काटना, ये सब आवश्यक है, इससे बढ़कर के वो ये है अपने ज्ञान का अनादर ना करें। जब हमने निर्णय ले लिया है कि सुबह हमको 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, तो किसी भी हालत में देर कैनॉट बी एनी जस्टिफिकेशन विच कैन प्रूव कि नहीं नहीं वो क्या था, कुछ नहीं था, हमने अपने ज्ञान का अनादर किया है। जब हम किसी को कुछ समय देते हैं तो भले वो आवे ना आवे, हमको अपने संकल्प का पालन करना है। ऐसा करते 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 धीरे 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 अपने संकल्प में शक्ति आ जाती है। अब हमारे संकल्प में शक्ति क्यों नहीं है? इस प्रकार से जब कोई माता पिता अपने बच्चे को सुबह से शाम तक डांटते ही रहते हैं, गुस्सा ही करते रहते हैं, तो बच्चे क्या कहेंगे? हम किसी के घर गए थे और वो पिताजी ने हमारे सामने उस छोटी सी लड़की को एक चाटा लगा दिया। कोई खास गलती नहीं थी, बच्चे तो गलतियां करेंगे। उसके बाद सब होने के बाद मैंने वो बच्ची को अपने गोद में लिया, प्यार किया, मैंने कहा कि देखो बेटा तुमको पिताजी ने मार दिया। बोले नहीं स्वामी जी, यू डोंट फील बैड, उनको आदत पड़ गई। बोले जब तक वो हाथ नहीं हिलाते ना तब तक उनका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं रहता, तो उनको आदत हो गई। माने उनके डांटने का उस बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं है। उसी प्रकार से हमारे संकल्पों का दूसरों पर या अपने जीवन पर प्रभाव इसलिए नहीं आता है कि उसके प्रति हमारे ही मन में आदर नहीं,
इसलिए अपने ज्ञान का आदर करना ये सबसे बड़ी साधना है। अच्छा, अब इसको समझने के बाद ये चीज हमने हमारे स्वामी ने ऐसे देखी थी कि उन्होंने कभी अपने संकल्प को बदला नहीं, चाहे लाभ हो हानि हो, एक बार ऐसा करना है वैसा ही करेंगे। इसके कारण कई बार लोगों को लगता था कि स्वामी जी जिद्दी है, इसको जिद्द नहीं कहते। इसीलिए उनके एक संकल्प में इतनी शक्ति थी कि सब चीजें अपने आप हो जाती थी। अच्छा, यह संकल्प की या भावना की बात कहते हैं। संकल्पो भावना प्रोक्ता सिद्ध असिद्ध इति साद्विधा सिद्धिर विकल्पा संभेदहा अविकल्पस्त्व एकनिष्ठिते। भावना माने संकल्प। देखना, दो प्रकार के संकल्प होते हैं। कहते हैं एक तो सिद्ध संकल्प और दूसरा असिद्ध संकल्प, या सिद्धा भावना या असिद्धा भावना। और सिद्ध भावना या सिद्ध संकल्प कौन सा है? जिस संकल्प के साथ संदेह नहीं होता वो सिद्ध संकल्प है, और जिस संकल्प के साथ संदेह होता है वो असिद्ध संकल्प है। जैसे हम लोग संकल्प करते हैं, हम यहां से जाएंगे अमरनाथ की यात्रा पर और सब ठीक होगा, फिर दूसरे को पूछते हैं ठीक ठाक तो है ना, वहां कोई गड़बड़ी तो नहीं है? माने सब ठीक होगा ये हमने प्रभु के सामने कहा, और फिर भी अपने ही संकल्प पर हमको विश्वास नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात है। जब हृदय में संकल्प जागृत हुआ ठीक होगा तो ठीक होगा ही, इट कैन नॉट बी अदरवाइज। कि जब हमारे संकल्प में संदेह जुड़ गए तो वो असिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए एक बार हमको बच्चों ने कैंप में पूछा था कि स्वामी जी जब हम द्विधा में आ जाते हैं तो डिसीजन कैसा ले। तो हमने उनको यही बताया था कि जब तुम्हारे सामने कोई समस्या है तो सुबह नहा धो करके भगवान के सामने बैठ लो, और बैठने के बाद 11 बार ओम नमः शिवाय कहो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो कहने के बाद हमने कहा हमको याद करो, उस समय हम वहां आ जाते हैं। और फिर जो तुम्हारे मन में संदेह संकल्प या किसी द्विधा स्थिति है उसको भगवान के सामने रखो कि भगवान ये ऐसा है मैं क्या करूं। ऐसा कहने के बाद जो पहला संकल्प आएगा वो प्रभु का है, और फिर उसको डटे रहो, भले तुम्हारा नुकसान हो, डोंट वरी। पहले 5-6-10 बार नुकसान भी होगा तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसके बाद एक बार संकल्प सिद्धि हो गई फिर देखेंगे आप संकल्प का आदर करना, संकल्प को संदेह के द्वारा वीक नहीं करना माने क्या, तब ये बात समझ में आ जाती है। इसीलिए जितना हो सके अपने संकल्पों का, अपने भावना का, अपने ज्ञान का आदर करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। तो यह संकल्प या भावना दो प्रकार की, सिद्धा और असिद्धा। जो संकल्प अनेक प्रकार के संदेह के साथ है वो असिद्ध होते हैं, और जो संकल्प किसी भी संदेह के साथ नहीं है वो हमेशा सिद्ध रहते हैं। इसके बारे में एक कहानी बताते हैं कथाकार लोग, भगवान रामचंद्र जी के नाम की महिमा बताने के लिए। भगवान राम ने देखा कि उनके नाम को लिख करके लोग पत्थर डाल रहे हैं और वो तैर रहे हैं, पुल बन रहा है, तो उनको लग रहा था कैसे संभव है, लेकिन सबके सामने कैसा कहे। तो वो बगल में गए और वहां उन्होंने एक पत्थर उठाया, और पत्थर उठा करके धीरे से देखा कि कोई दिखा नहीं है, सब बिजी है। ऐसे समय हनुमान जी हमेशा देखते थे, और उन्होंने वो पत्थर डाला और वो डूब गया। तो उन्होंने लो डूब गया, मुझे लग ही रहा था इसमें कोई भी जादू है। फिर हनुमान जी ने ऊपर से कहा सियावर रामचंद्र की, अच्छा तू देख रहा था, देख रहा।
तो ये क्यों हो रहा है? फिर हनुमान जी तो भगवान के भक्त थे, उन्होंने कहा कि भगवान जिसको आप छोड़ देते हो वो कैसा तरेगा, जिसको आप पकड़ते हो वही तो तरता है, और जिसने आपके नाम का आधार लिया है वो कभी नहीं डूबेगा। तो इस स्टोरी को इस प्रकार से देखें, जो भगवान के भक्त थे उनके मन में ये संदेह नहीं था कि भगवान का नाम पत्थर पर लिखने के बाद पत्थर डूब सकता है, ये संदेह नहीं था, और इसीलिए वो पत्थरों का वहां पुल बन सका। लेकिन उसी भगवान राम जी के मन में ये संकल्प ये संदेह आ गया कि पत्थर मेरे नाम से कैसे तैर सकता है, और इस संकल्प में संदेह का मिश्रण होने के कारण वो कार्यान्वित नहीं हुआ, ये तात्पर्य है। इसीलिए अपने जीवन के किसी भी संकल्प को संदेह के साथ न रखे, जो भी करना है एकदम डट के करो। और जितना ध्यान से सुनना, जितना हम निस्संदेह होकर के कहेंगे करेंगे उतना हमारा आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा। जो लोग आत्मविश्वास को जागृत करते हैं उन्हीं के हृदय में परमात्मा का अवतरण होता है, क्योंकि आत्मविश्वास परमात्मा के साथ एकत्व प्रतिपादन करने की प्रक्रिया है। विश्वास माने क्या? विश्वास माने हम जानते हैं कि ये होगा, लेकिन आप कैसे जानते हैं? मालूम है हमको, हमको आई डोंट वॉन्ट टू नो हाउ इट विल हैपन बट इट विल हैपन। यही बात है भक्त की। वो कहता है कि जब हमारे प्रभु हमारे साथ है तो हमको डरने की क्या बात है। तो दो प्रकार के ये संकल्प, संदेह युक्त असिद्ध और संदेह रहित सिद्ध संकल्प। ब्रह्म भावनया पश्य जातम जगदिदम ननु एतत् सर्वैहि सत्यरूपम भावितम सुदृढत्वतः। अब देखो, यह संपूर्ण जो जगत है ये केवल ब्रह्म भावनया पश्य, यदि इस संपूर्ण जगत को ब्रह्म भावना के अनुसार देखे कि यह संपूर्ण जगत परमात्मा मात्र है, जबरदस्ती झूठ मूठ ये दोनों गुण हम सब में है, तो ये जो दो गुण है इसमें लगावे। हमने आपको पहले भी बताया था कि अपन के लाइफ में कन्हैया के सिवा कोई आता ही नहीं, जबरदस्ती मान ना मान मैं तेरा मेहमान, और इसको आप डटे रहो देखो आप वैसी अनुभूतियां आने लगेगी। यदि कोई व्यक्ति ऐसी कल्पना करता है कि मैं जो भी करता हूं ना वो फेल ही होता है, तो भगवान कहेंगे तथास्तु बिकॉज दैट इज व्हाट यू आर वांटिंग। इसीलिए अपने इस ब्रह्म भावना के द्वारा पश्य जातम जगदिदम, जब ये संपूर्ण जगत को ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृदक कस्य सिद्धनम्। अब ये संपूर्ण जगत को ब्रह्म भावना या भगवान से भर के देखना माने क्या? माने ये अपने जीवन के प्रत्येक अनुभूति को, अपने जीवन के प्रत्येक घटना को ऐसा विचार करके घटाए कि जिसके द्वारा हमारा संबंध उसी क्षण प्रभु के साथ लग जावे। देखो, करना कुछ नहीं है, हमारे सामने जो है उससे हमको सुख दुख नहीं होते, जो है उसके साथ हम कैसा व्यवहार करते उस पर निर्भर है कि हम सुखी दुखी होते या नहीं होते। जैसे दो प्रकार के ड्राइवर, एक गाड़ी चला रहा है सामने से बहुत ट्रैफिक है, दूसरा भी गाड़ी चला रहा है सामने से बहुत ट्रैफिक है। एक ड्राइवर ऐसा है कि पूरा ट्रैफिक को क्रॉस करके चले जाता है और अपना काम भी प्रेम से करता है, वो विक्षेप को प्राप्त नहीं होता। दूसरा ड्राइवर सामने एक कोई भी वस्तु देखने के बाद उसके ऊपर उसका भाष्य लिखना शुरू कि अपने भारत देश का कभी भला नहीं हो सकता। अब एक छोटा सा रास्ता क्रॉस करते समय एक छोटी सी भैंस आ गई तो उसके लिए इतना बड़ा दुखी होने का क्या कारण है?
आप शुक्र करो कि वो भैंस आपके घर में नहीं आई. वी शुड थैंक द गवर्नमेंट ऑल्सो. इसीलिए ब्रह्म भावनया यदि हम इस प्रकार का विचार करें कि किसी भी विचार को घुमा फिरा करके प्रभु के पास ले आवे. ये जो विचार हम आपको बता रहे हमारा नहीं है, हम चोर है, सबके पकड़ पकड़ करके आपको बताते हैं. ये विचार आता है हमारे तुलसीदास जी महाराज के रामचरितमानस में. वो कहते हैं कि काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम. जिस प्रकार से कामी पुरुष जगत में जब विचरण करता है तो उसके मन में काम के सिवा दूसरा विचार आता ही नहीं, फिर उसको कोई भी बंधन किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं होता. एकाग्र चित्त से वो कामुक बनकर के घूमता है. उसी प्रकार से जो पैसे के पीछे पागल है वो कहीं भी जाएंगे तो वहां किस प्रकार से दो पैसे कमा सकते हैं यही विचार करेंगे. सत्संग भी करेंगे, कोई पूजा पोथी भी करेंगे तो उसमें भी देखो इसमें इतना प्रॉफिट हो गया. अरे राम. एक बार हमको याद है हमारा कहीं यज्ञ वज्ञ हो गया था और वहां का सब उन्होंने दक्षिणा इकट्ठी करी और हमको आकर के एक सज्जन कहते स्वामी जी यज्ञ वॉज वेरी सक्सेसफुल. तो मैंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन. बोले नहीं हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आए. तो मैंने थैंक यू वेरी मच. बोले पूछे नहीं क्यों सक्सेसफुल हुआ. तो हमने कहा इसलिए सक्सेसफुल हुआ कि आपने स्वयं कहा, नहीं तो आप ऐसे थोड़ी है किसी को सक्सेसफुल कहते हो. तो हमारे लिए यही सक्सेस है कि आपके मुख से ये निकला कि सक्सेसफुल हुआ. बोले नहीं स्वामी इसलिए नहीं, क्यों इतना पैसा इकट्ठा हुआ. देखो सत्संग के द्वारा सत्संगत्वे निसंगत्वम कितने लोगों के जीवन सुधारते हैं, कितने लोगों के विचारों में परिवर्तन आता है, कोई अपना कैसा भला कर सकता है, ये है सत्संग का सक्सेस. बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो सब ईंट पत्थर आते जाते रहेंगे. उसमें ज्यादा अपने आप को बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं. लेकिन सवाल यह है हमने महात्म्य किसको दिया है. वेदर वी वॉन्ट टू रूल द हार्ट्स ऑफ द पीपल और वी वॉन्ट टू रूल देयर बैंक बैलेंसेस. देखो भगवान रामचंद्र ने जो राज्य किया है वो अयोध्या में कहीं नहीं किया. उन्होंने राज्य किया है लोगों के हृदय पर. तो जैसी हमारी भावना वैसा हमको जगत दिखता है. ब्रह्म भावनया पश्य जातम जगत इदम ननु एतत् सर्वैहि सत्य रूपम भावितम सुदृढ़त्वतः तथा संकल्प प्रभवे नास्ति कस्यापि भावना विकल्प संभेदः एषः सिद्धा तस्माद् विभावना. इसलिए कहते हैं कि हे राजन एक बात करो कि जब हमारे संकल्प में दूसरा कोई भी संदेह नहीं आएगा तब धीरे धीरे हमारी यह जो भावना या संकल्प है ये सिद्ध प्राप्त होने को तैयार हो जाएगा. और इस संकल्प को जब तक हम इस संदेह से मुक्त नहीं करेंगे तब तक के इसी संकल्प के द्वारा दुखी होंगे. अब दो विचार है जरा ध्यान से सुनना. पहला विचार, संकल्प के द्वारा हम दुखी होते हैं जब संकल्प में संदेह मिला होता है और इसी संकल्प के द्वारा हम जगत की कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं यदि इस संकल्प में संदेह का वायरस न लगा हो तब. इसीलिए हमारे भगवद गीता कहती है संशय आत्मा विनश्यति. संशय का इतना भयानक रोग है और ये संशय जिसके हृदय में ग्रस लिया है ना, पापी सर्वत्र पापम आशंकते. यदि एक लड़का लड़की कहीं दोनों इकट्ठे होकर के खुशखुश कर रहे हो, हंस रहे हो, हम दूसरे क्या करेंगे, देखो गड़बड़ी हो रही है. एक बार अभी 4-6 दिन पहले की बात है, हम किसी पार्टी में गए, किसी के बर्थडे पार्टी में, और
वहां एक लड़का लड़की दोनों जवान, लड़का होगा कोई 20 साल का, लड़की 18 साल की, बहुत मेकअप करके मॉड मॉड मोटरसाइकिल पर आए, रोके। हम दोनों को जानते थे, आकर के वो रोक करके हमको नमस्कार चमत्कार किया, हम बाहर जा रहे थे तो हमने दोनों को ठप ठप किया, जाओ ऊपर जाओ, बढ़िया खाना है, खा के आ जाओ, फिगर के चक्कर में मत पड़ना। हम वहां से निकल गए। हमारे साथ जो संत थे वो कहते, स्वामी जी आजकल के लड़के लड़कियों को कोई शर्म नहीं, बड़ों के सामने भी अपने अपने नो फ्रेंड्स को लेकर के घूमते हैं, कब होगा अपने देश का भला। तो हमने कहा प्रभु डोंट गो नेशनल, छोटी बात है, ये जो तुमने दो लड़का लड़की देखे ना, ये भाई बहन है, हो दे आर ब्रदर एंड सिस्टर। हमारे दिमाग में जवान लड़का लड़की जब एकत्र आते हैं तो जो हमारे दिमाग में है वही तो बाहर दिखेगा ना। पापी सर्वत्र पापम आशंकते, इसीलिए एक बहुत बड़ी बात है, किसी भी व्यक्ति पर किसी भी कारण कभी भी कोई भी संदेह नहीं रखना है, सबको देखना है परमात्मा रूप से देखे, और ये देखते हुए भी अपने आप को बचा के रखे। अपने आप को बचाना, इसमें संदेह का वातावरण नहीं है, अपने आप पर विश्वास कम रखे, लोगों पर ज्यादा रखे। अपना मन यू कांट ट्रस्ट, और जितना ये धीरे 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 हम अपने संकल्पों को संदेह से मुक्त करेंगे उतना हमारा संकल्प सिद्धि की तरफ बढ़ेगा। इसलिए यह जो भावनाया भावनाया सिद्धिरत्र बहुधा संस्थिता भवेत, अब ये जो संकल्प सिद्धि है वो अनेक प्रकार से होती है। पहली बात बताते हैं जन्मना, दूसरी मणिना, औषधेन, योगतहा, तपसा, मंत्र सिद्धिया, वरेण, ये सात प्रकार है जिसके द्वारा हमारी संकल्प सिद्धि हो सकती है। जैसे फिर उदाहरण देते हैं, ब्रह्मा जी तो जन्म से ही सिद्ध है, और यक्ष राक्षस जो है वो अनेक प्रकार के मणि पहन करके वो अपने आप को सिद्ध बना लेते हैं, अनेक प्रकार के जो देवता है वो औषध भक्षण करके सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, योगी योगाभ्यास के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तपस्वी लोग तपस्या के द्वारा सिद्धि प्राप्त करते हैं, और मांत्रिक लोग मंत्र के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। और इस प्रकार से विश्वकर्मा ने केवल वर के द्वारा उनको वर मिला कि तुमको जैसी इच्छा होगी वैसा तुम कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, किसी बिल्डर के पास न जा करके। इस प्रकार से विश्वकर्मा को वर प्राप्त्या सिद्धिर भवेत। इस प्रकार से अपने संकल्प को संदेह रहित स्थिर करने के लिए ये अनेक प्रकार है। अब इसके बारे में किस प्रकार से हम अपने संकल्प को सिद्ध करें और संकल्पों को सिद्ध करना माने क्या, ये दो बातों का विषय इसके आगे है, इसको हम अगले बार देखेंगे। अब यहां विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांतिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।